वंदे मातरम दोस्तों, मैं धनांजनी आज फिर से मेरे नए वीडियो में मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आप टाटा एस गाड़ी के हेड फेस कैसे होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा एस गाड़ी का हेड फेस कैसे होता है। और भी आपको पता है मैं टाटा एस गाड़ी के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, तो इस नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बताऊं कि हमने जो ये हेड है ये मशीन पे अच्छे से बांध लिया है। हमने पहले से इसकी कैम और ऑयलर बोतलें बाहर रख दी है। ऑयलर बोतल हमने क्रम से रखी है कि दोबारे लगाने में हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद में ये जो मशीन है इसको बिल्कुल हेड के बिल्कुल करीब लेके आना है। उसके बाद में जो इसको फेस करेंगे, तो आपको बता दूं जो ये मशीन होती है इसके अंदर अपने जो बट्टी होती है सिल्ली, वो चार सिल्लियाँ लगी हुई होती है। और वो ये जो ऊपर देख रहे हो ये मोटर के माध्यम से ये घूमती है, और ये सिल्ली बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगी हुई होती है। अब हमने देख लिया है कि इसके घुमा के और इसके पास लाके कि ये टच नहीं हो रही है। अब अपन मोटर को ऑन कर देंगे, और मोटर को ऑन होने के बाद में इसको बहुत स्लो स्लो डाउन करेंगे, और इसके एक बार हल्का सा टच होते ही एक बार इसको आर पार हेड को निकाल के देखेंगे कि ये कितना इसमें बेंड है, अपन को हेड को कितना डाउन करने की आवश्यकता है। तो हमने ये निकाल के देख लिया। मैं आपको देखो बताऊं, ये आधे से ज़्यादा हेड में ये सिल्ली टच नहीं हो रही है। तो अपन इसको बहुत स्लो 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 दबाते रहेंगे, जैसे ही ये पूरे खड्डे निकल जाएंगे तो अपना हेड फेस हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए नए वीडियो देखने के लिए आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मशीन हेड को इसके नीचे से गुजार रही है, इस पार से उस पार, और ये इस पार से उस पार गुजारने के लिए नीचे एक बटन लगा हुआ है। उसको ये देखो भैया टांग से इधर उधर कर रहे हैं, तो वह मशीन इधर से उधर चलने लग जाती है। ये हेड अपना फेस हो चुका है, लेकिन इसको देखने के लिए अभी इस पर आयल लगाएंगे, और आयल लगा के एक बार और मशीन के नीचे से इसको गुजारेंगे। गुजारने के बाद में पता लगेगा कि अगर ये ऑयल पूरा साफ हो रहा है तो हेड फेस अच्छे से हो चुका है। एक बार उस तरफ ले जाके और इसमें ऑयल लगाएंगे। अब इसको वापस इधर बहुत स्लो स्लो लेके आएंगे। मैं आपको देखो नीचे से दिखाता हूँ, एकदम बिल्कुल स्लो स्लो इधर लाएंगे कि जो बिल्कुल बारीकी से ये मशीन का इसका जो फेस है उसको बिल्कुल क्लीन कर दे। इसको बहुत स्लो स्लो इधर दूसरी साइड में ले आएंगे, तो वो बट्टियां हैं इसके टच हो रही है धीरे धीरे, और ये एकदम सही फेस हो जाएगा। आज दोस्तों मैंने आपको टाटा एस गाड़ी का जो हेड होता है वो फेस कैसे होता है, और ये फेस होता है कि जब गाड़ी बहुत तेज़ हीटिंग हो जाती है, तो हीटिंग होने के बाद में जो गाड़ी ठंडी होती है तो इसका एल्युमिनियम का हेड होता है जो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एल्युमिनियम गर्म करके आप उसको ठंडी करोगे तो वो जो पहले वाले शेप में होती है उससे थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, वो उसमें चेंजिंग परिवर्तन आ जाएगा। उसको सही करने के लिए अपन को टाटा एस गाड़ी का फेस करना बहुत ही आवश्यक है, तभी ही जाके टेम्परेचर रुकेगा। अभी आप देख रहे हो जो ये इसका फेस है वो एकदम क्लीन हो गया है, जैसे हमने क्रमबद्ध तरीके से ये ऑयलर बाहर रखे थे और जो टेपिट की टिक्कियाँ उनको उसी हिसाब से रख के और कैम फिट कर देनी है, और फिर हेड को साफ सूफ करके और गाड़ी में लगा देना है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।